तो अब आप हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम कोल्ड ई के थ्रू लीड जनरेशन के लिए क्लाइंट्स लेकर आएंगे एंड कैसे हम उनको सर्व करेंगे ठीक है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप कोल्ड ई मेल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे आर ऑफ आउटरीचिंग टेक्निक्स जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जिसको सुन के आपका माइंड ब्लोन होने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैसे आप पर्सनलाइज आउटरीच कर सकते हैं कि हे चेतन आई सॉ दैट यू आर द फाउंडर ऑफ ब्रांड गेटर

अब हम जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है दैट इज वी हैव टू बाई डोमेन्स हमें कम से कम दस डोमेन्स बाई करने हैं इट कैन बी लाइक इफ द कंपनी नेम इज़ ब्रैंड गेटर तो वो हो सकता है ब्रांड गेट ऑफ एजेंसी डॉट कॉम ब्रैंड गेट प्रो डॉट कॉम ब्रैंड गेट लाइक सेल्स ब्रैंडगेटर एक्सपर्ट डॉट कॉम ब्रैंड गेट एजेंसी डॉट कॉम एनीथिंग लाइक दैट मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से हमने डोमेन्स बाई किया तो लेट मी गो टू द सॉफ्टवेयर दैट वी यूज फॉर आउट रीचिंग दैट इज मैनी रिच लेट मी गो दैट मी गो टू देंडर अकाउंट एंड हेरिटेज देखो इस तरीके से हमने अपने डोमेन्स बाई करके रखे हैं यू कैन सी द डोमेन्स आर ब्रैंडगेटर हब डॉट कॉम ब्रैंड गेटर बज डॉट कॉम जॉइंट ब्रैंडगेटर डॉट कॉम जॉइंट ब्रैंडगेटर डॉट कॉम ब्रैंडगेटर प्रो डॉट कॉम ट्राई ब्रैंडगेटर डॉट कॉम इट कैन बी ब्रैंड गेटर एजेंसी डॉट कॉम ब्रांड गेटर मीडिया डॉट कॉम ठीक है और क्या क्या है इंट्रोमैक्स ब्रांड गेटर डॉट कॉम इस प्रकार से हमने मल्टीपल डोमेन्स अपने बाई करके रखे हैं सो यू हैव टू बाई मिनिमम टेन डोमेन्स टू गेट स्टार्टेड ठीक है दस डोमेन हम बाई करेंगे एक सिंगल कैंपेन में चलाया हूँ उस पर मैं दस डोमेन्स यूज करता हूँ मैं जितने कैंपेन चलाता हूँ दस दस डोमेन मिनिमम यू हैव टू यूज एंड अगर स्केल करना है तो हम ज्यादा डोमेन्स भी यूज कर सकते हैं ठीक है ऑल गुड तो हम सबसे पहले क्या करेंगे हम डोमेन्स बाई कर लेंगे दस अब हम क्या करेंगे पर डोमेन से वी आर गोइंग तो टू क्रिएट थ्री गूगल वर्क अकाउंट ठीक है थ्री गूगल वर्क स्पेस अकाउंट हम बनाएंगे एंड तीन गूगल वर्क स्पेस अकाउंट बनाने के लिए वी आर गोइंग टू यूज गूगल वर्क स्पेस ये कैसे सेटअप करना है इसके ऊपर ऑलरेडी कोल्ड ईमेल की एक सीरीज है आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं एडवांस लेवल पे जानना है एक प्री लॉन्च हमारा चल रहा है आउटरीचिंग ऑटोमेशन सिस्टम लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन मेक श्योर टू चेक दैट आउट इफ यू वॉन्ट अ स्केल योर एजेंसी ठीक है तो वी आर गोइंग टू यू डू थ्री ई मेल्स पर डोमेन उससे ज्यादा भी नहीं करेंगे कम करना चाहो तो कम कर सकते हो दो ई मेल पर डोमेन आप कर सकते हो थ्री इज मैक्सिमम तीन से ज्यादा हम नहीं करने वाले हैं ठीक है तो जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूं चेतन ए जी एट द रेट ब्रांडगेटर हब डॉट कॉम चेतन ए ब्रैंडगेटर हब डॉट कॉम चेतन एट द रेट ब्रैंडगेटर हब डॉट कॉम तो मैंने तीन ई मेल्स बना लिए एक डोमेन से ठीक है एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझा रहा हूं मैं यहां पर हम देखेंगे चेतन ए एट द रेट ब्रांड गेटर बस डॉट कॉम चेतन एट द रेट ब्रांड गेटर बस डॉट कॉम एंड चेतन ए जी ब्रांड गेटर बस डॉट कॉम ठीक है नेक्स्ट थिंग इज कि जो भी हम ई मेल्स बनाएंगे उस ई मेल्स में मेक श्योर की नेम शुड बी लोगों का नाम होना चाहिए इन्फो सीओ वो सब नहीं यूज करना पहले मैं भी ये गलती की थी बट अभी हमें ओनली ह्यूमन नेम्स यूज करने हैं फॉर अवर आउटरीचिंग सिस्टम्स ठीक है चेतन जॉन सचिन साहिल वॉट एवर इट इज बट नेम शुड बी डेयर फॉर यूजिंग ई मेल्स दूसरी चीज जिसका हमें ध्यान रखना है ये जितने भी डोमेन्स हमने बाय किए हैं ये सारे डोमेन्स को हमें अपने मेन डोमेन के साथ में कनेक्ट करना है तो अगर मैं इस डोमेन को कॉपी करूंगा एंड वी आर गोइंग टू गो टू गूगल एंड जस्ट पेस दिस तो आप देखोगे कि हमारी वेबसाइट रिडायरेक्ट हो जाएगी यू कैन सी ब्रैंड गेटर के पास में ये रीडायरेक्ट हो चुका है एंड हेयर इज अव वेबसाइट अब कस्टमर्स यहाँ पर आएंगे दे कैन बुक अ फ्री कॉल अस दे कैन गो टू द टेस्टिमोनियल पेज दे कैन वॉच सम ऑफ अवर टेस्टिमोनियल्स हमारे क्लाइंट्स के बारे में यहाँ पर है वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे यहाँ पे दे आर आर लॉर्ड ऑफ थिंग्स तो हमारे जितने भी डोमेन्स होने वाले हैं जो हम बाई करेंगे वो सबको हम रिडायरेक्ट करेंगे अपने मेन डोमेन में ठीक है जैसे कि मैं इसको भी दिखा देता हूँ जॉइंट ब्रेन गेटर डॉट कॉम इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ पर जाके इसको कर देते हैं पेस्ट यहाँ पर जे लगा देता हूँ सी बूम वापस रिडायरेक्ट हो गया अपनी मेन साइट में राइट right? तो हम क्या करेंगे अपने सारे डोमेन्स को मेन साइट पे रिडायरेक्ट करेंगे एंड ईच डोमेन से हम तीन ईमेल आईडीज़ बनाएंगे एंड तीनों ईमेल आईडीज़ यू कैन सी कि नेम से होना चाहिए चेतन सचिन साहिल वट एवर इट इज बट देयर शुड बी आर नेम मेक सेंस अब हम क्या करेंगे हम अपने जो भी ईमेल्स हम यूज करेंगे उस पर लगाएंगे एक प्रोफाइल पिक्चर एंड हम लगाने वाले हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन इससे क्या होगा इससे हमारे ईमेल सिक्योर हो जाएंगे एंड बैन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे इट इज़ गोइंग टू बी सिक्योर्ड एंड ये आपको लॉन्ग रन में बहुत काम आने वाला है एंड रिप्लाई रेशियो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप अपने ई को रिडायरेक्ट कर देते हो अपने मेन ई में मेन डोमेन में एंड आप प्रोफाइल पिक्चर लगा लेते हो एंड टू स्टेप वेरीफिकेशन ऑन कर लेते हो ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करने वाले हैं हम अपने सारे ईमेल अकाउंट्स की वार्म अप करेंगे एंड उसके डीएनएस रिकॉर्ड्स को सेटअप करेंगे अगर हम रिकॉर्ड्स नहीं लगाएंगे तो हमारे ईमेल स्पैम uh, में जा सकते हैं हमारे रिप्लाई रेट्स बहुत कम होंगे हमारे ओपन रेट बहुत कम होंगे हमारी ईमेल्स लोगों तक डिलीवर ही नहीं होंगे हमारे ईमेल्स कस्टमर तक हम डिलीवर ही नहीं कर पाएंगे अगर हमने अच्छे तरीके से रिकॉर्ड्स को सेटअप नहीं किया देर आर थ्री रिकॉर्ड्स जिसको हमें मस्ट सेटअप करना है दैट इज़ डी रिकॉर्ड एस रिकॉर्ड एंड डी एम ए आर सी रिकॉर्ड ठीक है ये तीनों रिकॉर्ड्स को हम सेटअप करेंगे कैसे करना है क्या करना है वीडियोज भी आपको मिल जाएगी इफ यू वॉन्ट बी अ पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन हम ये सारी चीज़ों को डिटेल में वन ओ वन करके दिखाएंगे कि कैसे आप ये सारे रिकॉर्ड्स को सेटअप कर सकते हैं कैसे आप अपने कोल्ड ई मेल्स आउटरीच वॉल्यूम में कर सकते हैं इंस्टाग्राम आउटरीच वॉल्यूम में एनी थिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू गेट क्लाइंट्स एनी थिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू लाइक डू आउटरीचिंग एंड गेट क्लाइंट्स ऑन वॉल्यूम इज गोइंग टू कवर इन दिस कोर्स ठीक है आउटरीचिंग ऑटोमेशन सिस्टम अब हम क्या करेंगे नाउ इट्स टाइम टू स्क्रेप द डेटा अब ये वार्म होने में कम से कम दो हफ्ते का समय लगता है जब तक हमारे अकाउंट्स वार्म अप होंगे तब तक हम क्या करेंगे हम ई मेल स्क्रैप करेंगे क्योंकि हमें ई मेल भेजना भी तो है लोगों को वी वॉन्ट टू सेंड कॉल ई मेल्स तो वी हैव टू स्क्रेप दी डेटा स्क्रेप डेटा करने के ऊपर अब भी एक वीडियो बनाया हूँ गो चेक द डाउट चैनल पर जाना लास्ट सेकेंड वीडियो होगी ठीक है हाउ टू स्क्रेप डेटा या फिर आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो हाउ टू स्क्रेप अनलिमिटेड डेटा फ्रॉम लिंगडन हाउ टू स्क्रेप डेटा बाई चेजन अग्रवाल आपको वीडियो मिल जाएगा वी कैन यूज ग्रोमी ऑर्गेनिक वी कैन यूज़ गूगल स्क्रेपर वी कैन यूज येलो पेजेस वी कैन यूज़ अपोलो दर आर लॉट ऑफ टूल्स जिसके थ्रू आप स्क्रेपिंग कर सकते हैं मैटर ये करता है कि आप किन लोगों को किन लोगों को आउटरीच करना चाहते हैं अगर आप लोकल बिजनेस को करना चाहते हैं गूगल स्क्रेपर अगर आप फाउंडर्स को करना चाहते हैं लिंगडन स्क्रेपर दैट इज ग्रोमी ऑर्गेनिक अगर आप लेट से किस को करना चाहते हैं इफ़ यू वा डू समबडी फ्राम लाइक बिजनेसेस हैं ठीक है येल्लो पेजेस uh, like से निकाल सकते हो बिजनेस एनी टाइप ऑफ बिजनेस आपको येलो पेजेस में मिल जाएंगे ठीक है इस तरीके से जिन लोगों को आपको आउटरीच करना है आपको ये समझना है कि वो लोग कहाँ हैं वेयर दे आर एंड वंस यू गेट द पॉइंट कि वो लोग कहाँ हैं देन यू कैन स्क्रेप द डेटा ठीक है आप डेटा uh, स्क्रैपिंग चालू कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप रहता है अब हमने डेटा भी स्क्रैप कर लिया अब उस डेटा में हमें वेरिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाई वेरीफिकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज गाइज क्या होता है कि लेट से मेरी जो प्रीवियस कंपनी थी डेट वॉज प्रोमो प्रोमो ठीक है उसके भी ई मेल्स थे मैंने उसको चारों तरफ फैला के रखा था इंटरनेट में लेकिन राइट right नाव वो बंद हो चुकी है लाइक like, मैंने सेल कर दी थी एंड उसके बाद राइट नाव आई एम नॉट इन प्रोमो प्रोमो राइट नाव आई हैव माई कंपनी दैट इज ब्रैंड गेटर तो अब क्या है कि आ, वो जो ई मेल्स थे हमारे वो बंद हो चुके हैं तो अगर आप ईमेल्स को वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपके ईमेल्स बाउंस बाउंस के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके ईमेल्स बाउंस होने लगेंगे बिकॉज आप ईमेल्स को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं राइट right? तो वी हैव टू वेरीफाई द ईमेल एंड फॉर वेरिफिकेशन वी आर गोइंग टू यूज री ईमेल वेरीफायर इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना दिया है गो टू यूट्यूब एंड सर्च हाउ टू वेरीफाई ई मेल्स चेतन अग्रवाल ठीक है हाउ टू वेरीफाई डेटा बाई चेतन अग्रवाल यू विल फाइंड आउट दिस वीडियो जहाँ पर हमने बताया कि हाउ यू कैन वेरीफाई योर

ठीक है मुझे चाहिए मुझे अभी ग्रो करना है यूट्यूब पे दैट्स द रीजन आई एम लाइक पोस्टिंग वीडियोस रेगुलरली मुझे अभी बहुत बड़ी चीजें करनी है आई वांट टू आई वांट टू डू आउटरीचिंग इन इन ह्यूज लेवल इस लेवल में करूंगा इंडिया में किसी ने देखा नहीं होगा मतलब वेरी ह्यूज लेवल में हम आउटरीचिंग करेंगे आउटरीचिंग के पूरे गेम को ऑटोमेट कर देंगे ठीक है अब हमें क्या करना है वंस वी आर रेडी विद द डेटा वंस वी हैव द डेटा दैट इज वेरीफाइड वी हैव ई मेल अकाउंट जो वार्म अप हो चुके हैं हमें कस्टम ट्रैकिंग डोमेन्स को सेटअप कर लेना है ठीक है कस्टम डोमेन ट्रैकिंग कैसे सेटअप करते हैं जैसे कि हम जाएंगे यहाँ पर हम जाएंगे अपने ई मेल्स पे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे ये देखो यहाँ पर हमने कस्टम ट्रैकिंग डोमेन्स को सेटअप कर रखा है इससे भी हमारी डिलीवरी रेट इंक्रीज़ होती है और अच्छा रहता है ठीक है हम अपने कर, यहाँ पर बहुत इजी प्रोसेस है ऐड करना बता देंगे वो मतलब यहाँ पर वो आ जाता है सपोर्ट एंड एवरीथिंग आ जाता है जस्ट कॉपी एंड पेज द स्टाफ ठीक है कस्टम ट्रैकिंग डोमेन आप अपना सेटअप कर लेंगे ठीक है इससे भी हमारी डिलीवरी रेट इंक्रीज़ होगी कस्टम ट्रेकिंग डोमेन सेटअप हो गया अब हम क्या करेंगे अपना कैंपेन लॉन्च करेंगे एवरीथिंग इज गुड टू गो फॉर डूइंग कोल्ड ईमेल्स नाउ इट्स टाइम टू लॉन्च अवर कैंपेन एंड फॉर लॉन्चिंग अवर कैंपेन वी कैन डू एबी टेस्टिंग एबी टेस्टिंग से क्या होता है हमें पता चल जाता है कि विच वन इज वर्किंग बेटर हम क्या करेंगे एक कैंपेन चालू करेंगे एंड उसमें दो मैसेजेस ट्राई करके देखेंगे बिकॉज ई मेल्स इज ऑल अबाउट योर सब्जेक्ट लाइन एंड योर फर्स्ट मैसेज अगर आपका सब्जेक्ट लाइन एंड फर्स्ट मैसेज स्ट्रांग होगा तो यू कैन गेट लॉट ऑफ रिप्लाइज एंड अगर आपके सब्जेक्ट लाइन एंड मैसेजेस स्ट्रांग नहीं होंगे तो भाई तुम्हें रिप्लाइज ही नहीं मिलेंगे और अगर तुम्हें रिप्लाइज ही नहीं मिल रहे हैं अगर तुम्हें लोग रिप्लाई नहीं कर रहे तो तुम किसको बेचोगे अपनी सर्विस

चैट जीपीडी में जाके स्पिन टैग का यूज़ करेंगे जिससे हम एक ईमेल से करीबन हंड्रेड्स ऑफ ईमेल कॉपीज बना सकते हैं हाउ दिस इज पॉसिबल वो क्या करते हैं कि हे चेतन हेलो चेतन हे देर यो चेतन हाउ आई यू ठीक है तो वो क्या होता है कि एक ही चीज़ को मल्टीपल वेज में हम लिख सकते हैं ठीक है कि हाउ आर यू डूइंग हाउ आर यू ठीक है आर यू दैर मतलब चीज़ एक ही है लेकिन उसको हम मल्टीपल चीज़ों में लिखेंगे तो अगर हमने एक ई मेल कॉपी बनाई है और हम सबको सेम कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं हम सबको अलग अलग भेज रहे हैं तो इससे भी हमारी डिलीवरी रेट बढ़ेगी एंड इससे भी हमें ज़्यादा रेस्पॉन्सेज मिलेंगे हम क्या करेंगे अपने मैसेज को टैग में बना लेंगे जिससे हमें वेरिएबल्स ऑफ मैसेजेस मिल जाएंगे फ्रॉम अ सिंगल मैसेज एक ही मैसेज से वो हमारे मल्टीपल मल्टीपल मैसेजेस बना देता है जिससे हमें स्पैम एंड वो सब होने के चांसेस बन जाते हैं एंड वंस यू गेट अ विनिंग कैंपेन नाउ इट्स टाइम टू स्केल टू डू अ मून सब रेडी है भाई डोमेन खरीद लिया तीन ईमेल्स बना लिए उन ईमेल्स को हमने वेरीफाई कर लिया उसके बाद हमने क्या किया उसमें अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा दी टू स्टेप वेरिफिकेशन कर दिया हमने वो सारे ई को वार्मअप पर लगा दिया वार्म होने के बाद में हमने कस्टम ट्रैकिंग डोमेन सेटअप कर दिया वी हैव स्क्रेप द डेटा ऑफ द कस्टमर्स स्क्रेप डेटा करने के बाद में हमने उस डेटा को वेरीफाई किया अच्छे तरीके से वंस वी हैव वेरीफाइड डेटा हमने एक कैंपेन सेटअप किया उस कैंपेन में हमने ए बी टेस्टिंग करने की कोशिश की ए बी टेस्टिंग में हमें समझ में आ गया विच वन इज वर्किंग बेटर एंड वंस वी गेट अ विनिंग मैसेज नाउ यू कैन डू द सेम सिस्टम रिपीटेडली एंड यू कैन स्केल यूर कैम्पेन टू द मून दिस इज हाउ कोल्ड ई मेल वर्क एंड दिस इज हाउ यू कैन गेट टर्न एंड लॉट ऑफ कस्टमर्स बाई यूजिंग कोल्ड ई मेल्स आई एम डूइंग दिस फ्राम लास्ट फ्यू मंथ्स ईयर्स या ईयर्स And this is making me crazy money. If you want to do the same thing, implement the same thing. If you want to do it on scale, level you can just go and check out our outreaching automation system. Link is in the description. If you have any doubts in setting up this entire thing, you can book a 101 call with me. लिंक इन द डिस्क्रिप्शन तो आप कॉल बुक कर सकते हो मैं आपको बता दूंगा हेल्प कर दूंगा लोगों को पता नहीं है आउटरीचिंग किस लेवल में पहुंच चुकी है भाई बहुत सारी चीजें बताऊंगा सब्सक्राइब करे बिना जाना मत मेक श्योर टू डू फाइव हंड्रेड लाइक्स इन दिसंक यू सो मच गाइज